की बिना पर तलाक के दावे दायर करने की शरह में इजाफा हो रहा है। रोजाना 5 से 10 तलाक के दावे दायर किए जा रहे हैं। फैमिली की अदालतों से 25 खातीन को तलाक की डिग्रियां खुला की बुनियाद पर जारी की गईं। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि घरेलू नाचाकी के बिना पर तलाक के दावे दायर करने की शरह में इजाफा होता जा रहा है। रोजाना 5 से 10 तलाक के दावे दायर किए जा रहे हैं, जबकि फैमिली की अदालतों से 25 खातीन को तलाक की डिग्रियां खुला की बुनियाद पर जारी की गईं। इस तमाम तर मामलात पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं शाहीन अतीक। शाहीन अतीक, बताइएगा खुला के जो इस शरह उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, तलाक की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। जी, मैं इस वक्त यहाँ पर सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ। सिविल कोर्ट की जो फैमिली अदालतें हैं वहाँ पर घरेलू नाचाकी के दावे दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया हुआ है। रोज़ाना 1 से 2 जो दरख्वास्तें हैं वो तलाक की आ रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर खुला की दरख्वास्तें जो हैं वो ज़्यादा शामिल हैं। वो दरख्वास्तें हैं जिनमें लड़कियों ने लव मैरिज की और बाद में पछतावा उनको हुआ कि हमने अपने माँ बाप की रजामंदी शामिल जो है वो नहीं की। इस हवाले से जो है मेरे पास एक सीनियर एडवोकेट यहाँ मौजूद है, उनसे हम जो है वो बात करते हैं। तारिक, आप ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है, शरह में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो लड़कियां लव मैरिज शादी कर लेती हैं, उसके बिल्कुल 2 या 3 माह के अंदर वही लड़कियां वापस आके खुला का केस फाइल कर देती हैं। उसकी मेन वजूहत ये है कि वालदैन की रजामंदी नहीं होती उस शादी में, और उसके अलावा सोशल मीडिया, इस मीडिया में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और हज़ारों की तादाद में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो खुला की डिग्री के हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियादों पर फाइल हो रहे हैं, और उसके अलावा वो रोज़ाना डिग्री हो रहे हैं। आपने तारिक नवीद जो एडवोकेट हैं उनका जो है वो मौकफ सा, उनका कहना यह है कि खुदा की बुनियाद पर तलाक के दावे जो है वो यहाँ पर दायर हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो फैमिली की अदालतें काम कर रही हैं उनमें जो है वो आज तलाक के जो है वो 25 के करीब डिग्रियाँ जो है वो जारी की गई हैं। खवातीन को ये डिग्रियाँ खुदा की बुनियाद के ऊपर जारी की गई हैं। नाचाकी के केसों की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि बेरोज़गारी है, खामिन तशद्दुद करता है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका।